Hi friends, what's up? Welcome to Unacademy CA Final. So myself Abhishek Bansal. जैसे आपसे वादा किया था कि मैं ऑडिट आपको पढ़ाने वाला हूं, आपको और ऑडिट के अलग अलग वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिए मैंने और बहुत जल्द अभी यूट्यूब पे और Unacademy ऐप पे लाइव सेशन आने वाले मेरे, ठीक है। आपको टाइम टेबल अपडेट कर दिया जाएगा, कम्युनिटी में आप चेक कर सकते हो। कम्युनिटी पे हमने MCQs भी डाले हैं, सो यू कैन टेस्ट योर नॉलेज जिनका पढ़कर हो गया है जो पढ़ने वाले, ठीक है। सो एवरी डे आपको कोई ना कोई MCQ वहां पर आता रहेगा। सो टुडे वी गोना डिस्कस वेरी सिंपल टॉपिक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, केसेस डिस्कस करने वाले। कौन से केसेस सर? केस बेस्ड MCQ। अच्छा, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने भी ऐप डाउनलोड नहीं किए आप Unacademy की ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल स्टोर से, एप्पल स्टोर से, एंड कोई भी आप अपने हिसाब से सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं जहां पर आपको लाइव सेशन मिलेंगे। एंड वेन एवर यू टेक द सब्सक्रिप्शन प्लीज यूज कोड ABCA, आपको वहां पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब जो सेशन लेंगे, ठीक है, तो लाइव सेशन होंगे, उसमें रिकॉर्डेड सेशन भी होंगे। लाइव सेशन का बेनिफिट सर, डाउट सॉल्व इमीडिएटली हो जाएगा, मॉक पेपर सॉल्व होगा, केस बेस्ड MCQ और डिटेल में सॉल्व होंगे और बहुत सारे चैप्टर्स डिस्कस होंगे, एंड देन रेगुलर क्लास आपका चलता रहेगा। तो जल्दी आ जाइए Unacademy ऐप पे, वेरी सून द टाइम टेबल विल बी आउट। YouTube का भी ऐप आउट होने वाला है, YouTube पे जब लाइव सेशन होने वाले हैं प्लस Unacademy ऐप पे भी कब होगा, ठीक है। तो कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहिएगा टुडे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले केस बेस्ड MCQs। नाउ ऑन दिस केस बेस्ड MCQs क्या होता है, आपको पता होगा अपने को ऑडिट पेपर में 30 मार्क्स के MCQs है। वेरी नाइस, ने क्या बोला है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक एक मार्क वाले पूछूंगा और कुछ दो दो मार्क वाले पूछूंगा। अब दे हैव नॉट गिवन द डेफिनेशन ऑफ कुछ, आइडियली मैं मान के चलता हूँ कि करीबन 6-5 तो आसपास होंगे। तो अगर दो दो मार्क के पूछा, अगर 6 क्वेश्चन पूछे तो 12 मार्क के आपके बड़े MCQs हो गए केस वाले, और बाकी जो हो जाएंगे आपके एक एक मार्क वाले हो जाएंगे। अब आइडियली अपने को भी नहीं पता कि कहां से पूछेगा MCQs, कैसा MCQ पूछेगा, बट यस वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट टू गेट द बेस्ट। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बच्चों, इनकेस अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वहां पर आप वो जो केस बेस्ड MCQs है, केस बेस्ड MCQs है, आप बराबर इंटरप्रेट कर पाओगे। सो आइडियली कुछ नहीं है, क्या है वो पता है, बचपन में अपने को इंग्लिश सब्जेक्ट होता था उसमें कॉम्प्रिहेंशन होता था, कॉम्प्रिहेंशन, पीपल हु हैव स्टडीड फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। अपन तो गाउटी से पढ़कर आए थे, अपने को तो नहीं पता, मुझसे पढ़ लो स्कूल ग्रेजुएट। सो पीपल ऑल दोस पीपल हु हैव स्टडीड फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन होता था, फिर उसके नीचे अपने को उसमें से ही ढूंढ के आंसर देना होता था या कुछ और लिंक करना होता था, तो उसको बोलते हैं केस बेस्ड MCQs। द ओनली प्रॉब्लम हियर इज कि वो लंबी लंबी कहानियां देता है। अब कोई बच्चा होता है उसको सड़ता है, बहुत सड़ता है, क्या 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 भाई क्या है, प्रॉब्लम वहां पर है। छोटे वाले MCQs क्या होते हैं, एक दो लाइन का क्वेश्चन, सीधा आंसर देखने का। अब केस बेस्ड MCQs अपन डिस्कस करेंगे, इसमें इन डेप्थ एक एक वर्ड को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कहना क्या चाह रहा है। और साला प्रॉब्लम है, कहानी चल रही होगी कश्मीर में, पहुंचा देंगे कन्याकुमारी में, देन यू हैव टू लिंक कि भैया कैसे लिंक करना है। तो चीजें समझना, लिंक करना आपको आना चाहिए। तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हाउ टू टैकल केस बेस्ड MCQs, एंड वी विल बी सॉल्विंग लॉट ऑफ MCQs आल्सो। सो फॉर द नेक्स्ट 2-3 सेशंस आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द केस बेस्ड MCQs। तो इस लेक्चर में हम किसके MCQs करने वाले हैं, तो आपको मैं पहले बता दूं। तो टुडे फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग ऑडिट ऑफ CFS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका MCQs चलेगा। दूसरा अपन करने वाले पीयर रिव्यू चैप्टर का, पीयर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू बोर्ड वाला, ठीक है। तीसरा अपन करने वाले अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड LODR वाला चैप्टर, उसके MCQs। चौथा वी गोना डू लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स। तो इन एवरी लेक्चर आई विल बी डूइंग 3-4 चैप्टर्स के केस बेस्ड MCQs। हाँ, जहां पर ऐसे नहीं कि मैं आपको 50-50 MCQs कराने की इच्छा पड़ गया, हैंडफुल ऑफ लाइक 4-5 चैप्टर्स, आपको आइडिया आ जाए कैसे लेवल के होते हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है ना, इतने सारे बच्चे, इतनी सारी बुक्स, इतना सारा स्टडी मटेरियल, इतना ऑथर्स का बुक, इतना अमेंडमेंट, इतना जीरोक्स, मार्केट में कोई नया जीरोक्स नोट आएगा वो तो अपने पास होना ही चाहिए, फिर कलर बुक आनी, हैंड रिटन बुक आनी, चार्ट बुक आनी, ये ना फलान टीका, सारा रद्दी अपन को इकट्ठा करने का। मजा आता है ना अपने को, भले पढ़ना अपने को एक ही किताब से, अपने एक ही बुक से पढ़ेंगे, पर इकट्ठा करने में अपने को मजा। अब केस बेस्ड MCQs कहां पर है, तो आइडियली कहां होगा, मॉड्यूल में।
सर मॉडल पढ़ता कौन है, यही प्रॉब्लम है, अपन मॉडल पढ़ते नहीं है। पर आप देखेंगे ना इंस्टीट्यूट ने मॉडल बहुत शानदार बना रखे, मॉडल के पीछे उन्होंने केस बेस्ड एमसीक्यूज दे रखे अभी तक। तो दिस इज दिस लेक्चर, नाउ द नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर, चार पांच लेक्चर आएंगे केस बेस्ड एमसीक्यूज के, उसमें इट इज हेल्पफुल फॉर बोथ ओल्ड सिलेबस ऑल्सो एंड न्यू सिलेबस ऑल्सो। ठीक है, तो आइडियली इट इज यूजफुल फॉर ओल्ड ऑल्सो न्यू ऑल्सो बिकॉज कॉमन चैप्टर्स है। तो पहले मैं आपको कॉमन चैप्टर्स के एमसीक्यूज कराने वाला हूँ, कॉमन चैप्टर्स के, देन जो सेपरेट चैप्टर का उसका आपको अलग से एमसीक्यूज करा दूंगा। जैसे पीयर रिव्यू कॉमन है यहाँ पर, क्वालिटी रिव्यू कॉमन नहीं, क्वालिटी रिव्यू खाली न्यू सिलेबस वाले के, तो एक या दो क्वेश्चन क्वालिटी रिव्यू के होंगे, तो मैं आपको बता दूंगा। शुरू करो यहाँ पर, परफेक्ट। तो आप सब लोग स्क्रीन पे देख लीजिए, पहले अपन स्टोरी पढ़ेंगे क्या है एग्जैक्टली, फिर समझेंगे कहना क्या चाहता है एमसीक्यू रीड करने के बाद जो ऑप्शन होंगे वो, देन वी विल डिसाइड कि क्या आएगा आइटम। पर बी गोइंग वेरी स्लो बिकॉज आई अज्यूम कि हर स्टूडेंट का स्पीड सेम नहीं होता, हर स्टूडेंट का इंटेलेक्चुअल लेवल सेम नहीं होता। आराम आराम से जाएंगे, जिसको घाई है भैया, जिसको फटाफट कर रहे हैं आप बॉल, इसको 1.2 1.5 स्पीड पे देख लो, बट अपन एकदम आराम से जाएंगे। देखो अभी तो ऑल्ड ऑफ सी एफ एस, so it says BCO private limited is operating in India for last 15 years, it has three group companies, theek hai, it has three group companies, one subsidiary in India and the other two in Ireland and France, mere gaon mein. all these subsidiaries were acquired one by one and the investments were made in these companies gradually, that is initially the control was not obtained and after investment for some period कंट्रोल वॉज ऑब्टेन। तो पहले नॉर्मल इन्वेस्टिंग कर रखा था, इन्वेस्टमेंट कर रखा, बाद में उसमें कंट्रोल एक्वायर किया, 51% बाय किया होगा। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैव इवैल्यूएटेड दैट ऑल द ग्रुप कंपनीज आर सिग्निफिकेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट ऑफ सीएफएस। ठीक है, तो स्टार ऑर्डर कहता है कि ऑल द ग्रुप कंपनीज आर सिग्निफिकेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट ऑफ सीएफएस। ठीक है, सो एक होल्डिंग कंपनी हो गई बीसीओ प्राइवेट लिमिटेड, सब्सिडियरी इन इंडिया एंड टू, एक आयरलैंड और एक फ्रांस में। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 The audited FS of all the components are available. Now components का मतलब क्या होता है? जिन्होंने भी ऐसे 600 पढ़ रखा होगा या ये चैप्टर मेरा देखा होगा CFS वाला, आपने YouTube पे डाला होगा, उसमें कहा है आपको components मतलब subsidiary, associate, joint venture, branch, division, ठीक है, वो होता है, are available except for the French company whose audit got delayed and would not get completed before the release date of CFS of the parent company. तो जो फ्रेंच वाली जो सब्सिडरी है whose audit got delayed and would not get completed before the release date of CFS of parent, तो पूरी कहानी गा दी उस। For the purpose of consolidation, the parent company has provided the audit FS of other components. Please suggest what can be the possible situation in respect of the financial statements of French company for the purpose of consolidation for the purpose of audit of CFS. अब सिंपल सा लॉजिक है, कहानी में क्या गया, यहाँ वहां गया, अभी हमको क्या करने के, तुमने कब एक्वायर किया, कैसे एक्वायर किया। उसने सिंपल भाषा में क्या बोला, एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी तीन सब्सिडरी है, एक इंडिया में है, बराबर, एक इंडिया में है, एक फ्रांस में है और एक अपना आयरलैंड में। फिर उसने क्या बोला कि जो फ्रांस वाली कंपनी, जो फ्रेंच कंपनी है, ठीक है, फ्रांस वाली, उसका अभी सब्सिडरी का अकाउंट अवेलेबल नहीं क्योंकि वहां पर ऑडिट डिले हो गया है। अब बताओ ऑर्डर को क्या करना चाहिए। अब आइडिया तुमको क्या सोचना है, अपन एक लाइन बोली है, इफ यू हैव हर्ड दैट चैप्टर सीएफएस वाला, उसमें मैंने कहा है मेरा बच्चा किधर भी हो, कैसा भी हो, हमको तो कंसोल करना है, ये क्लाइंट है। अब आधे बच्चे बोल रहे जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा, बच्चा मतलब छोटा बच्चा, बच्चा पूरा बच्चा, नाजायज बच्चा, देश वाला बच्चा, विदेश वाला बच्चा, मेरे को तो कंसोल करना है। बच्चा मतलब सर सब्सिडी, पूरा बच्चा मतलब होलीवुड सब्सिडी, छोटा बच्चा मतलब एसोसिएट, नाजायज बच्चा मतलब जॉइंट वेंचर, देश वाला मतलब इंडियन सब्सिडी, इंडियन एसोसिएट, इंडियन जॉइंट वेंचर, ठीक है, विदेश वाला मतलब फॉरेन वाला। सो बॉस हमारे एक सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज है, क्या कहता है आपको तो कौन सो करना है, कौन सो करना है, कौन सो करना है, कहा गया है सेक्शन 129 में। अब ऑप्शन देखते हैं क्या कहा है लोगों ने, ठीक है। सिंस द ऑडिट ऑफ फ्रेंच कंपनी इज इन प्रोग्रेस, इट्स एफएस सब्जेक्ट टू ऑडिट कैन बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर ऑफ पेरेंट कंपनी and audited signed financial statement can be given to the auditors even after the release of audit CFS as is a matter of documentation. मतलब ठीक है, ये तो कहानी है, ऐसे आपको पेपर वेपर डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, तो its FS subject to audit can be considered by the auditor of parent company and audited signed financial can be given to the auditors even after the release of audit CFS. ठीक है, मतलब CFS जा चुका है, वो
उसके बाद फ्रेंच कंपनी का अपन अलग से देखेंगे, संभाल के रख लेगा अपने फाइल में। द मैनेजमेंट शुड गिव मैनेजमेंट अकाउंट्स टू द ऑडिटर्स ऑफ सीएफएस एंड द ऑडिटर कैन मेंशन सेम फंड इन अदर मैटर पैरा इन हिज रिपोर्ट व्हिच इज एन एक्सेप्टेबल अप्रोच। द ऑडिटर शुड गेट द एफएस ऑफ फ्रेंच कंपनी एक्सक्लूडेड फ्रॉम सीएफएस, एक्सक्लूडेड फ्रॉम सीएफएस। अच्छा, इफ द ऑडिटर डज नॉट रिसीव द ऑडिटेड एफएस ऑफ द फ्रेंच कंपनी शुड मॉडिफाई हिज रिपोर्ट, ही शुड मॉडिफाई हिज रिपोर्ट। अब क्या करने का पहले सोचने का, ठीक है? जब हम पहली बार पढ़ रहे थे कि आप जैसे पहली बार चैप्टर करो कैसे सोचने का, तो जो जो ऑप्शन आपको लगता है कि वेस्ट है उसको हटा दीजिए। द ऑडिटर शुड नॉट, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो लाइन है, द ऑडिटर शुड गेट द एफएस ऑफ फ्रेंच कंपनी एक्सक्लूडेड फ्रॉम सीएफएस, तो बस ये तो वर्थ ही नहीं करता, गलत है ये चीज़। तो द मैनेजमेंट शुड गिव मैनेजमेंट अकाउंट्स टू द ऑडिटर, अभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात है भैया, ऑडिट नहीं हुआ क्योंकि कौन सा में आया नहीं होगा, तो अदर मैटर में तो आ नहीं सकता, तो सर ये वाला भी बेकार है। फिर CFS जा चुका है, CFS जा चुका है, तुमने फ्रांस वाली कंपनी जो है उसको लिया नहीं CFS में, तो CFS जा चुका है, अब बोलते कि उसके बाद आपको हम सबमिट कर देंगे, चलेगा क्या वो चीज? नहीं सर, वो भी नहीं चलेगी, तो ये बैठ गया। तो बच्चा क्या बच्चों, डी, इफ द ऑर्डर डज नॉट रिसीव द ऑर्डर एफएस ऑफ फ्रेंच कंपनी ही शुड मॉडिफाई हिज रिपोर्ट। अपन ये बोलते कि हमारा होना चाहिए कौन सो, हम तो करेंगे कौन सो नहीं हुआ, तुम क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे एज पर SA 705। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन शुड बी डी, हम चेक नहीं करें, जस्ट राइटिंग इट ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। समझा आपको? सो सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द, सो सी इतना टफ नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको समझेगा, आपको सब समझेगा, ठीक। देखो अभी नेक्स्ट, केबी लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, इट हैज मल्टीपल सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स इन इंडिया, ओके। The company acquired PPP GmbH in Germany. ये नाम है कंपनी का, ठीक। On 1st Feb 2019, the company also obtained the control in PPP GmbH on the same day. ठीक है। His investments in PPP GmbH was of a huge amount. हमको क्या करना है? सीधा बोलते हैं, company has acquired this company. ठीक है, ध्यान रखना। The company has been preparing its CFS over the last few years, and this has also become a matter of concern for the company for the year ended 31st March 2019. फेब में एक्वायर किया, ठीक है, ध्यान रखना, वो ने फेब में इसको जर्मनी वाली कंपनी को एक्वायर किया। अब अपन बात करें 31st March 2019 की। द मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट द कंसोलिडेशन पीपीपी जीएमबीएच कुड नॉट बी रिक्वायर्ड इन सीएफएस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 बिकॉज दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन, पहला साल चलता है। हाउएवर द ऑडिटर्स हैव नॉट बीन अग्रीइंग फॉर द सेम, द टाइमलाइन ऑफ सबमिशन ऑफ ऑडिटर एफएस इज ड्यू इन फ्यू मंथ्स टाइम। इन द मीन टाइम द मैनेजमेंट मूव्ड ऑन टू द कंसोलिडेशन ऑफ पीपीपी जीएमबीएच, taking the audited FS of PPP GmbH which are available in the GAAP of the local country, मतलब जर्मनी वाले में, and GAAP conversion adjustment from its local GAAP to Indian GAAP have been made by the parent company. एक सेकंड, क्या हुआ यहाँ पर? वो कहता है the management moved, ready हो गया कॉन्सो करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, जो उनका जो local GAAP के हिसाब से, मतलब उधर जर्मनी के हिसाब, जर्मनी के जो शेड्यूल्स हो गए, जो रिक्वायरमेंट्स हो गए, उसके हिसाब से अकाउंट्स बनाया, ठीक है, बाद में उसको कन्वर्ट किया, किसके हिसाब से? इंडियन गैप के हिसाब से, बिकॉज सीएफएस किसके हिसाब से होगा? इंडियन गैप के हिसाब से होगा, ओके। गैप कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स आर मेड एट सीएफएस लेवल। इन द मीन टाइम द मैनेजमेंट हैज आल्सो बीन कंसल्टिंग वेदर द कंसोलिडेशन वुड बी रिक्वायर्ड और नॉट, ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द कंपैरेटिव फिगर्स इन केस ऑफ जीएमबीएच वुड नॉट बी अवेलेबल। अब इसमें एक नया ट्विस्ट डालते, बोलता कि सर उनका कंपैरेटिव बस होगा नहीं क्योंकि पहला साल इनको एक्वायर करके, तो सर हमको कंसो करना है कि नहीं करना, आप जरा बता दीजिए। Further, the auditors have also raised observations regarding the gap conversion adjustment over which a management has a disagreement. As per the management, the auditors are not required. Also, management के हिसाब से, the auditors are not required to comment on the gap adjustment because audited FS of PPP GmbH have been given to the auditors. Auditor कहता है कि जो conversion entries मारी है आपने, ये गलत मारी। Management क्या कहता है? Oh auditor, चुप। बसा, हमने तुमको ऑडिटेड एफएस दिया है ना इनका, तो चल कर ले, मैं जो करने कर, तू कुछ नहीं बोला कन्वर्जन एंट्री पर, ऐसा मैनेजमेंट कहता है। अब इसके बच्चों चार ऑप्शंस है, चार ऑप्शंस, ठीक है। अब देखो, पहला, कंसोलिडेशन ऑफ पीपीपी जीएमबीएच शुड बी डन बट गैप कन्वर्जन एडजस्टमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, ओके। पहले लेट्स रीड, देन विल स्ट्राइक ऑफ कौन कौन से एप्लीकेबल।
consolidation of PPP GMB should not be done and accordingly gap conversion would not arise. Okay. Consolidation of PPP GMB should be done and gap conversion adjustments are also required to be audited. Consolidation is a choice of management as the accounting standard does not mandate this. However, in case it is done, then the gap conversion adjustments would be required to be audited. अब पहला चीज तो कौन सो करना है कि नहीं करना सर फेम में आप एक्वायर करें तो 31 मार्च को आपकी सब्सिडियरी दिख रही है बराबर तो सर आपको कौन सो तो करना ही है करेक्ट जब कौन सो करना है तो ऑप्शन बी हट गया बराबर ऑप्शन बी हट गया सर कौन सो करना है मैंडेटरी चॉइस थोड़ी है सर तो ऑप्शन डी भी हट गया बच्चों समझा कैसे सोचने का अपन को लॉजिक लगाने का क्योंकि जो भी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उसी को यूज करना है तीसरा कहता है अरे भैया जब कौन सो करेंगे अपन सब चीजें चेक भी तो करते कैप कन्वर्जन वेरिएबल एप्लीकेबल सी एफ एस वाले चैप्टर में सिखाया आपको तो सर ऑप्शन ए भी हट गया मेरे हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए सी सो मैं यहां नोट कर लेता हूं 1 का डी है 2 का सी है बाद में चेक करेंगे 1D 2C समझा आपको अभी अपन चेक नहीं कर रहे आंसर को भाई समझ रहे प्री अब VDN लिमिटेड इज अ मीडियम साइज कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिटेल इट हैज टू सब्सिडरीज एंड वन जॉइंट वेंचर इट हैज टू सब्सिडरीज एंड वन जॉइंट वेंचर ठीक है बोथ द सब्सिडरीज आर लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू द पेरेंट कंपनी द अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द पेरेंट कंपनी इट सब्सिडरी एंड जेवी वर सेम ओके However, during the year ended 31st March 19, one of its subsidiaries, SMA Private Limited, changed the method of depreciation of PPE to WDV, which is different from the method followed by the parent company, that is SLM. Okay, so subsidiary ने क्या कर दिया अपना WDV follow किया बाकी सब लोग SLM follow कर रहे हैं तो subsidiary अलग चल रहा है. Further, this subsidiary also changed the method of valuation from FIFO to weighted average, which has become different from the parent as the parent follows FIFO. तो parent FIFO follow करता है ये लोग weighted average follow कर रहे हैं. Clear हो गया इतना चीज़? These changes were made by the subsidiary because it reflected the better picture of its standalone FS. Now, for the purpose of CFS, the auditors have asked the management of parent company to ensure that accounting policies of the group companies should align with that of parent. मतलब A क्यों होना चाहिए? With the requirements of AS. But the management of the parent and subsidiary company believe that out of the three group companies other than the parent. Only one group company requires this change for the purpose of consolidation and the same should be ignored by the auditor. मैंने कहा ये छोड़ो सर क्यों इतना मच मच एक ही तो क्या है सर तेल लेने के बाहर नहीं सर हटा दो उसको अब आपको सजेस्ट करना है अब बच्चों प्रॉब्लम क्या होता है कि जब ऐसे वाले एमसीक्यू आते हैं साला देख लो यार एक एक पेज के एमसीक्यूज कहानी खाली कहानी है अब एमसीक्यूज के ऑप्शन तो देखो ऑप्शन इतने लेट्स सी The view of the management is correct. For CFS, method of depreciation of SMA may be continued to be different. However, method of valuation of inventory should be aligned with that of parent. C. For CFS, method of valuation of inventory may continue to be different. However, method of depreciation should be aligned with that of parent. The auditor should get these changes made in the standard FS of SMA Private Limited. अब तुमको सोचना है कौन सा right? अब देखो बच्चों, तो अपने को एक-एक अभी strike off करना पड़ेगा कि जो गलत है. तो पहला तो अपन ए कर ले स्ट्राइक ऑफ क्योंकि ए गलत है बराबर क्योंकि अपने को कुछ कंसीडर तो करना पड़ेगा सब्सिडियरी को इफ द ऑर्डर शुड गेट दिस चेंजेस मेड इन स्टैंडर्ड ऑन एफएस बॉस कौन सा ऑर्डर कैसे करके वो तो सब उसका जो ऑर्डर है वो और गलत काम थोड़ी क्या है वो अपने को चेंज इन द काउंटिंग देखना पड़ेगा तो ऑप्शन डी भी स्ट्राइक ऑफ अब बचता है दो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी अब सुनो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अगर चेंज होता है इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट It is a change in accounting estimate which is allowed to show a better financial position of the company. And method of valuation of inventory is a change in accounting principle. जो कि same होना चाहिए जो आपकी holding company है. Accounting principle same होना चाहिए जो कि आपकी holding company है. So the valuation of inventory should be aligned with that of parent. But depreciation अलग हो सके. तो मेरे हिसाब से the answer should be B. Answer should be B. So I'll write here 3 का B. 3 का B. बाद में check करेंगे अपन. फोर्थ ठीक है फोर्थ देखो अभी
AJ Private Limited is engaged in the business of retail, having annual turnover of 1800 crores. The company has a plan to get listed on Bombay Stock Exchange next year. ठीक है, so अभी तक ये listed नहीं, मतलब ये unlisted है. The company has 3 associates, okay, 4 subsidiaries and 1 joint venture. 3 associates, 4 subsidiaries, 1 joint venture. The company prepares its CFS on a quarterly basis for the purpose of internal. ठीक है, okay, कोई problem नहीं है. The quarterly financials are then reviewed by the statutory auditors of a company. This group companies of the parent company has increased in the terms of the size, looking at the total assets and the revenue of the group. For the purpose of auditor CFS, for the purpose of the audit of CFS for the year ending 31st March 19, the management has requested the stat auditors that it would be able to provide management certified accounts of the joint venture, as its audit would not get completed on time, and even without joint venture, the auditors would be able to cover 75% of the total assets of the group at the consolidated level. However, the stat auditors are insisting that they need to cover at least 80% of the total assets of the group at consolidated level, as per the requirements of auditing standards for the financials of joint ventures should also be audited. Please advise. So basically, वो same situation है कि joint venture का accounts नहीं मिल पा रहा audit करने के लिए, तो अपने को क्या करना है? अपने को क्या करना है? ठीक है? अब देखो, let's read the options again. पहला क्या कहता है? The auditor should accept the management certified accounts of the joint venture. Number two, the auditor cannot accept the management certified accounts of joint venture and should report the matter to ROC. Tisra, the auditor cannot accept the management certified accounts of JVs and should report the matter to SEBI, considering the plan to get listed next year. The auditor should accept management certified accounts of the joint venture, provided that the revenue of JV is less than the 10% of the total revenue of the group. ठीक है? अब ध्यान से सुनो। तो पहला तो अभी दिमाग लगाने का, ये क्या कह रहा था कि बॉस ये लिस्टेड नहीं है, द कंपनी से प्लान टू गेट लिस्टेड ऑन BSE, तो बॉस सेबी तो आज के डेट में आएगा ही नहीं ना, सेबी का पॉइंट तो आज के डेट में आएगा क्योंकि आज आप लिस्टेड नहीं हो, तो तुम्हारा और सेबी का कोई रिश्ता नहीं है, तो ये जो फालतू सा ऑप्शन है ना, ऑप्शन सी ये कट हो गया बच्चों, तो ऑप्शन सी कट. अच्छा, द ऑडिटर कैन नॉट एक्सेप्ट मैनेजमेंट सर्टिफाइड अकाउंट्स ऑफ जेवी एंड शुड रिपोर्ट द मैटर टू आरओसी. अरे ऑडिटर का रिश्ता तो किसके साथ होता है? शेयर होल्डर के साथ, तो आरओसी को क्यों बोलना है हमको? तो बी भी हट गया. अब ऑप्शन डी पर आइए एक बार, और ए पर आइए, क्या कहता है? दोनों कहता है द ऑडिटर शुड एक्सेप्ट द मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, बराबर, पर डी में एक लाइन बोली हुई है, प्रोवाइड द रेवेन्यू ऑफ जेवी इज लेस देन द 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द ग्रुप. ऐसा कोई चीज आपने पढ़ा ही नहीं होगा, ना तो आपने उसको FR में पढ़ा होगा, ना ऑडिट में CFS वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, पर सर दोनों कहता है कि ऑडिटर शुड एक्सेप्ट द मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, बराबर, मैनेजमेंट सर्टिफाइड अकाउंट्स, तो फर्क क्या है? अभी बता दो आपको, सेबी का एक ऑर्डर आया था, LODR का, सेबी का, मतलब किसको एप्लीकेबल है? वो लिस्टेड कंपनी के लिए. वो क्या कहता है कि बॉस इसने जो ऑर्डर कहा ना कि दैट वी हैव टू वेरीफाई 80% ऑफ द टोटल असेट्स, तो उसमें 80% ऑफ द टोटल असेट में कवरिंग रेवेन्यू असेट्स एंड प्रॉफिट्स, कवरिंग रेवेन्यू असेट्स एंड प्रॉफिट of the group at the consolidated level as per the requirements of the auditing standards. So, ये SEBI LODR का rule आया था कि अगर आप listed company का CFS कर रहे हो तो आपको 80% check करना है, आपको 80%. तो ये जो auditor ने बोले ना, stat auditors are insisting that they need to cover at least 80%. तो ये कहाँ लिखा है? SEBI LODR. अब मैंने सर SEBI LODR मंजे कौन? सर listed company. मतलब कौन? Listed company का applicable. तो सर ये वाला जो point है confuse कर रहा है, ऐसा तो कोई point है नहीं, तो मैं कहता हूँ D नहीं होगा. तो बच्चा क्या? A. अब आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा होगा reporting वाला कि बॉस अगर आपके पास ऑडिटर अकाउंट्स नहीं है तो आप क्या कर लोगे? अकाउंट्स ले लीजिए उनसे, मैनेजमेंट से, और क्या कर देंगे? अपन मॉडिफाई कर देंगे. तो अकाउंट्स ले लीजिए, मतलब द ऑडिटर शुड एक्सेप्ट द मैनेजमेंट सर्टिफाइड अकाउंट्स. ऑप्शन ए, आई वुड गो विद ए, ए, ए. तो फोर्थ का आई वुड राइट हियर ए. ठीक है, ठीक है, आज अभी पांचवे क्वेश्चन पे. Advik Limited is an unlisted public company. The company acquired few companies in the last 3-4 years, which have been assessed as its subsidiaries, associates. And joint venture, herein after called as components. Okay? The company prepares its condensed CFS every quarter to review the performance of the group. In the past years, the company used to get the financials of the components reviewed, audit on a quarterly basis. AGN Company LLP is the company's auditor of the parent company.
and XMM. AG and Company LLP is the start auditor of the parent company, and KSH and Associate is the start auditor of all the components. ठीक है. फिर quarterly condensed CFS of the group are reviewed by the start auditors as per the terms of the engagement letter. AG and Company LLP has communicated to Advaik that in the line with the requirements of Companies Act. किसने बोला? पेरेंट के ऑडिटर ने बोला. पेरेंट के ऑडिटर ने. इट वुड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द ऑडिट एंड और लिमिटेड रिव्यू ऑफ ऑल द कंपोनेंट विच वुड बी कंसल्टेड विद द डोज ऑफ अद्विक लिमिटेड. सो जो स्टार्ट ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है, आई मीन द पेरेंट का, वो कहता है कि भैया मैं सारा कंपोनेंट्स का भी ऑडिट करूंगा या LR करूंगा वहां पर, एंड फॉर विच KSH एंड एसोसिएट्स आर द स्टार्ट ऑर्डर्स करेंटली. एंड जबकि स्टार्ट ऑर्डर्स उनके कोई और कंपोनेंट्स के. Management is not agreeing with the same as they don't want to change KSH and associate as the auditors of the components, and the requirements mentioned by AJ would lead to duplication of work of the auditor as well as of the management advice. So, कहानी ये है कि भैया जो parent का जो auditor है start auditor, वो कहता है कि मैं सारे components का भी audit फिर से करूँगा या LR करूँगा, मेरे को फिर से करना पड़ेगा. तुम मेरे को बताओ क्या करना चाहिए अभी. It says in an audit or review of CFS, the principal auditor is required to perform various procedures as per SA 600 using the work of another auditor, and hence the requirement of auditor is valid. Matlab wo components ke audit kar sakta hai. In the audit review of CFS, the PA is required to perform, PA, principal auditor, is required to perform various procedures in accordance with the requirements of Companies Rules 14, and hence the requirement of auditor is valid. Ab pehla cheez to bhaiya, principal auditor aur Companies Rules meli nahi khate. Logic hai cheez to. कंपनी रूल्स कंपनीज एक्ट मतलब कंपनी को एप्लीकेबल, वो ऑडिटर थोड़ी एप्लीकेबल होगा. ऑडिटर को तो उसको ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए. तो ऑप्शन अभी तो समझ में आ गया फालतू सा है. इन द ऑडिट रिव्यू ऑफ CFS, द पा इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिव्यू और परफॉर्म ऑडिट, टू रीपरफॉर्म द ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू ऑफ द कंपोनेंट, एंड हेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर इज नॉट करेक्ट. मैनेजमेंट ऑडिटर नीड टू डिसाइड दिस म्यूचुअली एज दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट बिटवीन. तुम देख लो अपना अपना. अब ऑप्शन डी तो फालतू सा है, लॉजिक है बराबर. ऑप्शन बी भी बच्चों फालतू है. क्यों? क्योंकि सर ऐसे तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं. अब आता है 600 का और बोलता है, पहला बोलता है ए वाला कह रहा है कि भैया हाँ करना पड़ेगा उसको ऑडिट. ऑप्शन सी कहता है कि उसको नहीं करना पड़ेगा. लॉजिक लगाओ. अरे सब्सिडरी में ऑडिटर्स है ना, कंपोनेंट्स में ऑडिटर है ना, तो उन्होंने किया होगा. अरे भैया अगर तुम ही फिर से ऑडिट कर लोगे तो तुम तो सब्सिडरी ऑर्डर कहलाओगे. पर क्या तुमको सब्सिडरी ऑर्डर अपॉइंट हुआ है? हमको तो पेरेंट का ऑर्डर अपॉइंट हुआ, तो तुम पेरेंट के ऑडिटर हुए ना वहां पर. तो अरे तुम सब्सिडरी के जो ऑडिटर होते हैं उस पर मैंने ऐसे 600 लगा के क्या बोलते हैं यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑर्डर. तुमने जो ऑडिट किया वो हम आपको दे दो अकाउंट, हम देख लेंगे. हमारे सबसे ऊपर ऊपर से देखते हैं अपन, कोई इनडेप्थ डिटेल में चेक नहीं करते. या अपन ने कंपनी सेक्ट में भी सीखा हुआ, ऐसे 600 में भी आपने सीखा होगा, सुना होगा ऐसे चीज. अरे अगर आप सब्सिडरी का ऑडिटर हो करोगे, ऑडिट करोगे, तो आप तो सब्सिडरी का ऑर्डर कहलाओगे. पर क्या आपको सब्सिडरी ने ऑडिटर अपॉइंट किया? नहीं सर. पैसा देगा आपको वो? नहीं सर. तो तुम क्यों कर रहे हो बैठ के भैया? आप सब अपना अपना देखेंगे, हमेशा ध्यान रखना, सब अपना अपना देखेंगे बराबर, सब अपना अपना देखेंगे. तो आपको करने का, जो आप अपना देखो खाली, पेरेंट का ऑडिट करो, भाड़ में क्या बाकी सब अपन रिलाई कर लेते. तभी तो ऐसे 600 है ना यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर. एक प्रिंसिपल भी अपना वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, द ऑडिटर शुड, द ऑडिटर कैन रिलाय ऑन वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, द ऑडिटर कैन यूज द वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, बट ही शुड चेक, वेरीफाई, रिव्यू एज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन. तो अपन कोई डीप में चेक नहीं करते, अपन ऊपर से देखते हैं इसमें क्या बना, उसको पूरा ऑडिट करने का है. क्यों भाई? कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला तो अपन एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करेंगे. तो मेरे हिसाब से ऑप्शन शुड बी सी. ऑप्शन सी, फिफ्थ का इज सी. फिफ्थ का इज सी. सो लेट्स चेक. देखिए, ओ डी सी बी ए सी हो गया खाता. तो बच्चों यही लेवल है. आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही आएगा, यही आएगा, मुझसे कि मिलता जुलता आएगा, मतलब ऐसे ही लाइंस पे आपको दिखेगा. तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा. अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बस यू कैन टैकल द एमसीक्यूज. सो नाउ व्हाट आई प्लान इज, इन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियोस आई विल बी डूइंग एवरी डे लाइक 3-4 चैप्टर्स ऑफ एमसीक्यूज. सो पीपल हु हैव देयर प्रोस्पेक्टिव अटेम्प्ट नाउ, एवरीवन शिफ्टेड फ्रॉम जुलाई टू नवंबर एंड स्पेसिफिकली नवंबर 20 एंड मई 21. तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट 4-5 जो वीडियोस होंगे आपके, वो एमसीक्यू सीरीज चलेंगे, ओनली केस बेस एमसीक्यू. आई एम नॉट डूइंग दैट इजी वाला एमसीक्यू जो एक एक लाइन वाला आता है, क्योंकि वो अपन बाद में करेंगे. अभी अपन पहले किस पर टैकल कर रहे हैं, केस बेस एमसीक्यू. फिर और चैप्टर्स के वीडियोस आते जाएंगे यूट्यूब पे. अब बीच में क्या होगा, कुछ लाइव सेशन होंगे यूट्यूब के, मैं बता दूंगा उसमें क्या कराने वाला हूँ, आपको शेड्यूल आ जाएगा. प्लस मैं अनअकैडमी ऐप पे भी आने वाला हूँ लाइव सेशन लेके, उसमें क्या कराना उसका भी शेड्यूल आ जाएगा. तो दोनों आएगा, यूट्यूब लाइव सेशन एंड अनअकैडमी सेशन लाइव सेशन.
तो आप उसको डाउनलोड करके रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा, कम्युनिटी में आप जाके देखो कि वहाँ पर एमसीक्यूज ऑलरेडी पोस्टेड है, तो हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज वहाँ पर आते आएंगे। जैसे मैंने मेरे दे दिए है, बाकी टीचर भी दे रहे अपने, तो आप उसको भी सॉल्व करते रहेंगे। क्योंकि क्या वो 30 मार्क है, 30 मार्क हाई स्कोरिंग है। ओल्ड सिलेबस आपको ऑडिट लॉ ग्रुप वन में, अपन तो ग्रुप वन की बात करते हैं, ऑडिट लॉ। न्यू सिलेबस आपको भी ऑडिट लॉ 60 मार्क वहां पर कैरी कर रहे हैं। नीचे वहां पर DTIDT कैरी कर रहे हैं, DTIDT वो कैरी कर रहे हैं। अच्छा, और न्यू सिलेबस में वो जो ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट है अपना पेपर नंबर 6, उसमें ज्यादा 40 मार्क के आपके आसपास के एमसीक्यूज आते हैं। तो आपका 800 मार्क में से ओल्ड सिलेबस मोटा माटी 120 मार्क, न्यू सिलेबस 160 मार्क मान के चलिए आप, इतना जबरदस्त आपका एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यूज राइट जाना चाहिए, क्योंकि वही आपकी बूस्टिंग ला के देगा। रीजन भी सिर्फ 5 मार्क का डिस्क्रिप्टिव आंसर अटेम्प्ट करके टीचर 5 में से 5 देती नहीं है, शी विल गिव यू 4, 3.5, 2, 2.5 उतने मार्क्स मिलता है। एमसीक्यूज में सलाह अगर राइट है 30 में से 30 है, 2 में से 2 है, 1 में से 1 है, 0% रिडक्शन गाइस। इसलिए एमसीक्यूज हैज टू बी 40। तो मैंने इसलिए प्लान किया कि अपन एमसीक्यूज के हर वीडियो डालेंगे, और मैं स्टार्टिंग में दूंगा हर सेशन में कौन कौन से चैप्टर का। कूल, सो गाइस नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं वो है पीयर रिव्यू को निकालिए। अब देखो, तो इट सेज क्वालिटी रिव्यू। तो अच्छा, पीयर रिव्यू में कोई क्वेश्चंस नहीं अभी फिलहाल, कुछ और आएंगे तो आप अपडेट कर दिया जाएगा आपको। अभी हम लोग कर रहे हैं क्वालिटी रिव्यू। सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक क्वालिटी रिव्यू इज एप्लीकेबल ओनली फॉर न्यू सिलेबस। तो 2 ही क्वेश्चंस है मेरे पास इसके। इट सेज ICI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क ऑफ इट्स मेंबर्स फॉर परफॉर्मिंग द ऑडिट ऑफ FS। ICI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क ऑफ इट्स मेंबर्स फॉर परफॉर्मिंग द ऑडिट ऑफ FS। Yes, for all audit of FS. Yes, for all audit except those of listed entities. No, responsible quality assurance for all audit rests with another body. Yes, for all audit except those of unlisted entities. अब देखो, ये सब peer review वैसे मिलता जुलता quality review का concept है, वो chapter में आपको सिखाया गया है। अब question ये आता है कि सर देखो, quality review तो check करता है institute, तो ये तो applicable नहीं, ये हट गया। अब question ये आता है कि bifurcation करना होगा कि listed या unlisted का, क्योंकि अगर ऐसा कुछ अगर लिखा है तो लिस्टेड के लिए लिखा है कि अनलिस्टेड के लिए लिखा हुआ है। आंसर इज यस। अब क्वेश्चन याद है सर, ABD में से कौन सा? सी, अगर देखो लिस्टेड या अनलिस्टेड क्वेश्चन ये आता है, सर पीयर रिव्यू में तो अपन सब कुछ चेक कर लेते, सारे अपन जो भी अश्योरेंस एंगेजमेंट वो भी चेक करते, तो क्वालिटी रिव्यू भी मिलता जुलता है तो वो भी वही होना चाहिए। आई वुड से ऑल अश्योरेंस एंगेजमेंट, ऑल आई वुड से ऑल ऑडिट ऑफ FS 2 का A, आई वुड गो विद 2 का A। What types of engagements are not included in the scope of quality assurance review program? What types of engagements are not included in the scope of quality assurance review program? तो जैसा वो peer review के answer है कि peer review के scope में क्या-क्या आता है और क्या-क्या नहीं आता, तो अपन क्या बोलते हैं, peer review के scope में एक ही आता है, assurance engagement, बाकी कुछ भी नहीं आता है। अब ये पूछ रहे हैं, what are not included in the scope of quality review assurance review program? वो assurance मतलब audit। Financial statement audit of listed entities, financial statement audit of other than listed entity, मतलब unlisted हो गया, तो अभी ऊपर ने भी yes को बोला है, तो सर ये दोनों आ जाएगा। Other service like review compilation of accounts, ये भी आता है। Insolvency, सर ये हमने कभी सुना भी नहीं है, peer review या quality review पढ़ते हो कि हमने नहीं सुना है, तो मेरे हिसाब से option D होना चाहिए, option D, are not included, तो A and D। 1 का A 2 का D हो गया खत्म। तो ICI के मॉड्यूल में जो आपके MCQs दे रखे हम लोग वो MCQs कर रहे हैं बच्चों। हर चैप्टर का मैंने निकाल रखा है बाहर, अपन अलग अलग कर रहे हैं, तो जिसको जब भी जो चैप्टर पढ़ना होगा MCQs रिवाइज करना, ICI के जो पीछे दे रखे वो आप कर लोगे आपके, ठीक है? तो क्या होगा, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा आपको। 2 चैप्टर समाप्त, परफेक्ट। तीसरा, नेक्स्ट चैप्टर व्हाट वी आर डूइंग इज corporate governance निकालिए। देखो अभी, सो वी आर ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लेट्स डू इट। द ऑडिट कमिटी शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब ऑडिट कमेटी, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी, मिनिमम 4 डायरेक्टर्स विद ओनली 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स विच आर इंडिपेंडेंट,
minimum five directors, which have one independent director, one woman director. Audit committee should consist of minimum three directors with independent directors forming majority. Minimum teen. Teen wala rule hai. So I would go one ka A. So likh lete isko bhi kahin. So I would say one ka bachcho A. One ka A. ठीक है? अब ध्यान से देखना. It says ABC Limited is one of the top 1000 listed entities on the basis of market cap. अब ये सब amendments के पर आए हुए हैं. The board of directors of ABC Limited does not comprise of any woman director. ओहो ये तो गलत है. The start auditor who certifying the corporate governance has to ascertain that the board should have at least two independent women director. The board should have at least one independent woman director. The board should have at least five independent women director. None. अगर किसी को याद होगा कुछ amendments आए थे अभी वहां पर कि अगर आपके 1000 listed entities में अगर आप आ जाते हो तो आपके पास at least एक independent woman director होना चाहिए. One independent woman director. There has to be one independent woman director. ये amendment के चक्कर में आ गया. Two का I would go with B. टू का बी. ठीक है. थर्ड थर्ड इज दिस वन. ये भी अगेन अमेंडमेंट पर है. द ऑडिटर शुड एंश्योर दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टॉप 1000 सॉरी टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज शैल कंप्राइज ऑफ नॉट लेस देन मतलब मिनिमम सेवन डायरेक्टर्स, मिनिमम फोर डायरेक्टर्स, मिनिमम सिक्स डायरेक्टर्स, मिनिमम टू डायरेक्टर्स. अगर किसी को याद होगा अपन जब कंपनीज एक्ट भी पढ़ते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि ओपीसी में चाहिए आपको एक, प्राइवेट में चाहिए दो, पब्लिक में चाहिए तीन. बट अगर आप टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज में आ जाते हो तो आपके पास मिनिमम चाहिए सिक्स. मिनिमम कितना चाहिए आपको? सिक्स. तो लाइक द लाइन इज लाइक दिस. 1 2 3 6 1 2 3 6 1 2 3 3 6 लिस्टेड के लिए मिनिमम सिक्स चाहिए. थर्ड को थ्री का सी. फोर्थ The annual remuneration payable to a single non-executive director of ABC Limited exceeds 25% of the total remuneration payable to all non-executive directors. अच्छा, अगर आप अपने किसी एक सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो बाहर वाला होता है उसको आप ज्यादा पैसा दे रहे हो, ठीक है, किससे? आपके सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है तो मेरे कोई खास है, मैं उसको अगर ज्यादा पैसा दे रहा हूँ तो मुझे कुछ अप्रूवल लगता है. बेसिकली लगता है मेंबर्स का अप्रूवल, क्योंकि इससे लॉजिक लगाने का हमेशा कि जब पैसा जा रहा है ना कंपनी से तो पैसा किसका जाता है? कम मेंबर्स का. तो अपने को अप्रूवल किसका चाहिए? अपने को मेंबर्स का चाहिए होता है. अपने को किसके थ्रू? हमेशा एसआर के थ्रू, क्योंकि ज्यादा लोग अग्री करने चाहिए, हम लोग ज्यादा पैसा बांट रहे हैं. अब यहाँ पर कहते हैं इट एक्सीड्स 25% ऑफ टोटल रेमुनरेशन पेएबल टू ऑल डायरेक्टर, ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. ये गलत है. अपने को जो लाइन सिखाई गई आपको मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए थ्रू एसआर इज एप्लीकेबल ओनली इफ इट एक्सीड्स 50%. ओनली इफ इट एक्सीड बच्चों 50% तो अपने को एसआर चाहिए. तो अपने को एसआर चाहिए. अच्छा सर 50 के नीचे हुआ तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बिकॉज लाइन क्या कहता है कि 50 के ऊपर चाहिए तो आपको एसआर चाहिए ना. इफ यू आर पेइंग टू वन सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सीडिंग 50% ऑफ द टोटल रेमुनरेशन पेएबल टू ऑल द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देन यू वुड रिक्वायर एसआर ऑफ मेंबर्स. पर अगर 50 के नीचे है तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए. कुछ भी नहीं चाहिए तो सर बोर्ड भी नहीं चाहिए, मेंबर्स का ओआर भी नहीं चाहिए, एसआर में क्या आएगा? नन ऑफ द अबव. फोर का आई वुड गो विद सी. फोर का सी. देखो अभी फिफ्थ. द बोर्ड ऑफ एक्सवाइजेड लिमिटेड वन ऑफ द टॉप 2000 लिस्टेड इज मेट फोर टाइम्स इन ईयर. ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. व्हाट शॉल बी द कोरम? व्हाट शॉल बी द कोरम? अब देखो What shall be the quorum? So one third or three, whichever is higher. Quorum तो हमेशा higher होएगा. तो चारों देख लो higher, 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 higher. ठीक है. Quorum one third or three, whichever is higher. Subject to one independent director. Subject to one independent director. Subject to one independent director. One third or three, whichever is higher. Subject to one independent director. Subject to one independent director. Five is A. So बच्चों ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा जो आपका एमसीक्यू है ये सब अमेंडमेंट के चक्कर में, जैसे अभी एलओडीआर अपडेट हुआ था उसके चक्कर में आया. और अभी इसी में क्या करेंगे वो लोग? कहानी बना के डाल देंगे, पर कॉन्सेप्ट्स रिमेंस द सेम.
तो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, तो बॉस आप पक्का पक्का 30 में से 30 लाओगे। लेट्स चेक। देखिए देख, 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का C, 5 का A, सब राइट है अपना, हो गया। समझा आपको चीजें एकदम इजी। अब अपना आज का आखिरी चैप्टर जो है वो है लाइबिलिटीज ऑफ ऑल। ठीक है, लाइबिलिटीज पे आ जाओ। देखो अभी लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा लाइबिलिटी में, एक तो सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वो चेंज ऑफ द ऑडिटर बेस्ड ऑन ट्राइब्यूनल सिलेक्शन, एक तो वो वाला जो आंसर है वो इंपॉर्टेंट है वहां पर। फिर एक प्रोस्पेक्टस वाला जो आंसर है वो बहुत रिपीटेटिव है। फिर एक इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो लाइबिलिटी आती है उसको 271J वाली जो नहीं ऐड हुई है वो भी एग्जाम में आ चुकी थी। फिर वो कंपनीज एक्ट का 447 फ्रॉड वाला, वो सब काम की चीज। ठीक है, बाकी एकदम जनरल है। आ जाओ। OP Limited issued a prospectus in respect of an IPO which had the auditors report on the FS for the year ended 31st March 19. The issue was fully subscribed. During the year, there was an abnormal rise in the profits of the company, for which it was found later on that it was because of the manipulated sales in which there was a participation of full-time director and other top officials of the company. So, but there was manipulation. कुछ ना कुछ तो आएगा लाइबिलिटी के ऊपर। ऑन द डिस्कवरी ऑफ दिस फैक्ट द कंपनी ऑफर टू रिफंड ऑल द मनी टू द सब्सक्राइबर्स ऑफ द शेयर्स एंड सूड द ऑडिटर्स फॉर द डैमेजेस अलेजिंग दैट द ऑडिटर्स फेल्ड टू एग्जामिन इन अ सर्टेन एनी सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टीप इंक्रीज इन द रेट ऑफ प्रॉफिट्स एंड रेगुलर अकाउंट्स। द कंपनी एम्फसाइज दैट द ऑडिटर शुड हैव प्रोसीडेड विद द सस्पिशंस एंड शुड हैव Not followed selected verification. Okay. वो कह रहे कि तुमको सैंपल टेस्ट नहीं करना चाहिए। कौन कह रहा है? मैनेजमेंट कह रहा है। तो कंपनी कह रही है, he should not have followed selected verification. The auditors were able to prove that they found internal controls to be satisfactory. अच्छा, तो ऑडिटर्स ने क्या कह दिया अपने डिफेंस में कि भैया हमने चेक किया था तो हमारे हिसाब से ICS बराबर है। अब बेसिकली क्या होगा, आपने वो क्या बोले, डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है तो अपन ने बिल विल चेक कर लिया, बैंक से एंट्री वेंट्री चेक कर ली, करेक्ट। तो बॉस जब पेमेंट वेमेंट से बराबर आ रखी थी, पता चला कि साला वो बिल ही बोगस था। अब इंटरनल कंट्रोल में हमने तो चेक किया सब कुछ बराबर है। अब अगर मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व है, सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, तो हम क्या कर सकते उसमें? एंड दे डिड नॉट फाइंड एनी सर्कमस्टेंस टू अराउज सस्पिशन। कूल। द कंपनी वॉज नॉट एबल टू प्रूव दैट द ऑडिटर्स वर नेग्लिजेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज। प्लीज सजेस्ट योर व्यू ऑन दिस। क्या कहता है कोई बच्चों? The stand of the company was correct in this case. Considering the nature of the work, the auditor should have proceeded with the suspicion and should not have selected, should have not followed selected verification. Okay. The approach of the auditor looked reasonable in this case. The auditors found internal controls to be satisfactory and also did not find any circumstance to arouse suspicions, and hence they performed their procedure on the basis of selected verification, the sample check. In the given case, the auditor should have involved various experts along with them to help them on their audit procedures. Prospectus is one area wherein management involves various experts, and hence the auditor should also have done that. In the given case, by not involving the expert, the auditors did not perform the job in a professional manner. If they would have involved the experts, forensic experts, the manipulation could have been detected, hence the auditor should be liable. In case of such type of engagement, the focus is always on the management controls. If the controls are found to be effective, then the auditor can never be held liable in respect of any deficiency or mismanagement of law. बहुत ही ज्यादा confusing है। सोचो, take your 1 minute time and think, कौन सा right होगा? क्या लगता है सर? मेरे हिसाब से पहला तो अपन स्ट्राइक ऑफ करते हैं अपन सी को। ये लोग हमको सिखाएंगे कि हमको किसको एक्सपर्ट अपॉइंट करना है। आपने ऐसे 620 में सीखा होगा, अरे अगर एक्सपर्ट अपॉइंट करना होता है तो वो ऑर्डर अपने हिसाब से डिसाइड करता है, तुमको हम तुमको सिखाने वाले सर सी हट गया। एंड सर ये भी गलत है, मतलब हमारी इच्छा है कि हम सर अगर हमने को सिखाया गया ना वो भी ऑडिटर्स
कि सर हम सैंपल बेस कर या डिटेल चेक, कुछ ना कुछ तो रह जाता है, कुछ ना कुछ तो रह जाता ना हमेशा। तो सर साला ये भी गलत है, बचा है बी या डी। डी क्या कहता है, इफ द कंट्रोल्स आर फाउंड टू बी इफेक्टिव देन एन ऑडिटर कैन नेवर नेवर बी हेल्ड लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेफिशिएंसी और मिसमैनेजमेंट ऑफ फ्रॉड। सर ऐसा थोड़ी होता है, ऑडिटर फिर भी लायबल तो हो सकता है ना सर, ये तो कह रहे हैं कि नेवर बी लायबल। सर मेरे हिसाब से ऑप्शन डी भी गलत है, बचता क्या है ए। हम लोग सैंपल बेस्ड ऑडिट कर सकते हैं, आपने हमने चेक किया ICS बराबर है, वहां पर मैनेजमेंट प्रूव नहीं कर पाया कि वो नेग्लिजेंट आके था, तो हमारे सबसे बी होना चाहिए। आई डो नॉट नो व्हाट द राइट आंसर, आई विल जस्ट राइट हियर, आई वुड से वन का बी, वन का बी। ठीक है, बाद में देखते क्या है राइट है क्या रॉन्ग है। आ जाओ अभी चले नेक्स्ट। क्षितिज एंड अ ग्रुप ऑफ पर्सन सब्सक्राइब्ड टू द शेयर्स ऑफ JNN लिमिटेड। ओके, JNN लिमिटेड हैड इशूड अ प्रॉस्पेक्टस फॉर द इश्यूएंस ऑफ शेयर्स अगेंस्ट दिस पर्संस अगेंस्ट व्हिच दिस पर्सन हैड सब्सक्राइब्ड द शेयर्स। ठीक है, कहानी का आरंभ होगा। इट वाज लेटर ऑन फाउंड दैट सम इंफॉर्मेशन एज इंक्लूडेड इन द प्रॉस्पेक्टस वर मिसलीडिंग। वे क्लियर कर दिया मिसलीडिंग। दिस पर्सन फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द कंपनी कवरिंग ऑल द पार्टीज हू वर रिस्पांसिबल फॉर द प्रॉस्पेक्टस ऑन द ग्राउंड दैट the information contained in prospectus was misleading and they suffered a losses by relying on that information. The company consulted this matter with its legal consultants in respect of the course of action to be taken and also consulted that if the outcome of this case goes against the company, which all parties may be held liable and what could be the other consequence. Basically, apan bolte hain prospectus mein sub liable. The prospectus also included auditor's report who had also given his clearance. Okay. Some of the experts were also involved in respect of the information which the litigation was filed. Basically, वो पूरा कहानी गा रहा है कि भैया सब लोगों ने साइन किया था, अभी हर एक के बारे में इंडिविजुअली बता रहे हैं। अब आधे बच्चों इसमें थक जाता है, रिसर्च इतना बड़ा है, क्या करे, करना पड़ेगा। Subsequently, it was proved that the contention of Kshitij and those person was correct. It was held that the directors, promoters of the company and the experts involved would be liable to pay compensation to all these persons who had sustained loss of any damage. The auditors of the company were also asked to make good the losses, but they refused with the argument that it is limited to directors, promoters, and experts. भाई, section 34, 35 अगर आप पढ़ेंगे ना prospectus का companies act उसमें लिखा है सब मतलब सब के सब liable होते हैं। ठीक है? अब इसके options देख लेते हैं। The argument of the auditors is valid as per the final outcome of the litigation. The auditors were not held liable. However, the moral grounds, the auditors should contribute towards the loss. अबे सीए से पैसे मांग रहे हो, तुम्हारे बॉस ने कभी तुमको मोरल ग्राउंड में पैसा दिया क्या? तुमको कोविड में दिया क्या? अभी तुमको कुछ पैसा एक रुपए एक्स्ट्रा भी दिया क्या तुमको? बहुत अच्छी बात, भगवान उसको खुशियां दे। The argument of the auditors valid since the final outcome of the litigation did not held them liable. They cannot be asked to contribute with the losses suffered by any person. The argument of the auditor is not by the final outcome of the litigation covers all the experts and hence the auditors also get covered, contribute towards the losses. The outcome of the litigation seems to be completely wrong. Okay, the directors and the experts are held liable, but along with it, the stat auditors, internal auditor, tax auditor, CS, tax consultant, legal advisor should also be held liable. Although the promoters cannot be held liable in such matters. Ye puri kahani hai. Ab पहला चीज तो सर ये डी हटा दीजिए, ऐसा तो कुछ भी बोलता है। अब वो मोरली वाला भी हट जाएगा क्योंकि ये भी लॉजिकल नहीं है, बराबर। अब बचता है बच्चों टू का बी या टू का सी। द आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्टार्ट ऑर्डर वैलिड इन द फाइनल आउटकम ऑफ द लिटिगेशन डिड नॉट हेल्प देम लायबल। नीचे वाला बोलते हैं द ऑर्डर फाइनल आउटकम कवर्स एक्सपर्ट। भाई साहब सब मतलब सब, सबके सब मरेंगे साले, सबके सब लायबल, टू का सी। आई विल गो विद सी। सब अपना देख लो भाई, मेरा तो टू का सी है। तो बच्चों यहां मैं लिखती टू का सी लिखती, परफेक्ट होती, आगे बढ़ती। थ्री, नेक्स्ट। JKA लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन द सेक्टर विद अ टर्नओवर 25,000 क्रोर्स। भगवान ज्यादा दिन से हमको उसका 1% देते, नहीं मेरे को ज्यादा चिंता, 25,000 करोड़ का मेरे को 1% सर बहुत है, मेरा जीवन बहुत सुखी से चलेगा सर, कोई टेंशन नहीं है, बराबर। एटलीस्ट इतना पैसा तो कमाए अपन,
The operations of the company were increasing constantly. However, the focus of the management is more on cost in the coming years to improve its profitability. In respect of the FS of the company, which are used by the various stakeholders, some deficiencies were observed in respect of assets reported therein, due to which the stakeholders suffered damages. As a result, those stakeholders went for a civil action against the company, including all the parties who had the responsibilities in respect of those FS. The shareholders of the company were also rude. Unko bhi clear attempt. Chal chal, aaj bade, aaj tu bhi aaj. The shareholders against went against the civil action and were able to prove that there was no professional negligence on their part. It was decided the loss was occasioned through the negligence of the directors and the fault of the directors in failing to verify the asset was considered to be only technical. Okay. What should be the correct option out of the following? Chalo, read karte hain abhi dekhte hain. A penalty should be levied on the artist, but that should not be equal to the damage suffered by the stakeholders. The damages would be required to be made good by the directors of the company. Both the auditors and directors should be held liable in respect of this deficiency. Both of them should compensate these shareholders to do these stakeholders in respect to the damage, and a further penalty of 10 lakhs would be imposed on them. 10 lakh kahan se aaya pata nahi. Kuch bhi bole jaa. Auditors and the directors should be held liable in this case. Further, because the penalty of directors bigger, they would be subject to penalty of 10 crores or losses suffered by the whichever is higher. Kahan likha hai pata nahi, apni man ghadat kahaniyan hai. Since the fault of the auditor is limited to technical nature, he cannot be held liable for any penalty or damage. However, he not be allowed to work for this company, another company in similar industry, for the next 5 years as per the requirements of Companies Act. Kidhar aisa? Kidhar bola hai? Kaun si section mein bola hai, bhai? Companies Act mein kidhar bola hai ki aisa kuch hoega to bhai tum 5 saal tak kaam nahi kar sakte? Kidhar? Abhe wo 140 subsection 5 mein change of order based on tribunal direction hai. Wahan par 5 saal hai. Agar 141 subsection 3 bolte hai, wahan par 10 saal hai, wo bhi fraud kiya hoga. To auditor ne fraud kiya hoga. To aisa kuch to bola hi nahi. तो बच्चों डी हटा, सी भी हटा, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, 10 लाख भी नहीं बोला है. आई वुड से ए, क्योंकि देखो कहीं भी कंपनी साइड में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मैं उसको स्ट्राइक ऑफ करते जा रहा हूं और जो बचता है उसको मैं टिक करते भगवान वैसे जय माता दी, लेट्स डू इट. ए थ्री का ए, थ्री का ए. Fourth. Next, अब देखो क्या कहते हैं. KKR Limited is a medium-sized company engaged in the business of e-commerce. The company's operation have remained stable over the years and its profitability has been going down. Okay. The company also ventured into different markets over the last few years, but that has not helped much in the terms of growth of business or increasing the profitability. The company's immediate plan is to expand its operation with focus on increasing the profitability. ठीक है, कहने का है. The company was looking for funds to achieve this objective and issued a prospectus to the public to subscribe to it. Ab aa gaya prospectus ki kahani. The FS of the company for the year ended, so when so included in the prospectus, showed a very different picture of the company, particularly in respect of its profit, matlab inflated. It was found that some of the information contained in the prospectus was misstated, it was untrue and misleading to attract the public to subscribe towards the shares of the company. Legal action was taken by stakeholders against the company, including its auditors and the company's management directors, were confident that they would not be required to face any action considering the fact that the FS were duly audited by a reputed firm of CA. Because CA marega, hum kyun marenge? If at all any problem arises, it would be the responsibility of the auditors. Please advise whether anyone can be liable in this matter or not. If yes, what action can be taken against him, or if no, what should be the corrective action? Okay? The understanding of the directors correct and the auditors would be held liable. The understanding of the director is wrong. They would be held liable under section 447 and not the auditors, because the responsibility of the prospectus lies with the management. This may lead to criminal liability, wherein every person who authorizes the issue of such prospectus shall be held liable under section 447. This may lead to civil liability, wherein every person who authorizes issue of such prospectus shall be liable under section 447. अब तुमको सोचना है कौन सा राइट है. चारों में 447 का रेफरेंस ही है. पहले में बोलते कि ऑर्डर मरेगा, दूसरे में बोलते कि मैनेजमेंट मरेगा. मरेगा कौन? सर सब जिन्होंने साइन किया. सर सब मरेंगे जिन्होंने साइन किए, बराबर. प्रॉफिट में ये सिखाया गया. अब ऑप्शन आता है कि सर सी या डी. सी भी लेके क्रिमिनल लाएंगे,
सर प्रॉस्पेक्ट झूठा झूठा साइन किया, मतलब जान पूछ के साइन किया। सर तुमको पता था ना कि तुम गलत कर रहे हो, तो सर आई वुड गो विद सी, फ्रॉड क्या है, चीटिंग, कि तुम धोखा दे हो, तो आई वुड गो विद फाइव का फोर्थ क्वेश्चन का सी, आई वुड गो विद सी। ठीक है, तो आई वुड राइट फोर का सी। अब आ जाओ फिफ्थ पे, देखो आंसर बाद में चेक करने क्या है। विमल कुमार सी ए बाई प्रोफेशन हैज बीन इनटू प्रैक्टिस फॉर द ईयर फॉर ओवर सिक्स इयर्स। ओके, ही डेवलप्ड अ स्पेशलाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स एंड हैंस गॉट वेरियस क्लाइंट टू ही वाज एडवाइजिंग। ठीक है, अच्छी बात है भैया, विमल भाई अदर देन टैक्सेशन विमल ऑल्सो वॉज ऑल्सो गुड इन अकाउंटिंग मैटर्स बट ही कुड नॉट डेवलप हिज बिजनेस क्लाइंटेल द अकाउंटिंग सर्विस ओवर द पीरियड। ही यूज्ड टू रिप्रेजेंट द क्लाइंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। सो ये इनकम टैक्स वाली आ रही है कुछ को पता नहीं। फॉर वन ऑफ हिज क्लाइंट्स ही हैज ही वाज An authorized representative prepared the return of income tax and furnished the same and other required documents. The particulars of account statements and other documents supplied to him by the SASE. Now, what SASE is used because tax ki baat aa rahi hai for the preparation of return to the AO. He also conducted the examination of those records and submitted a report on the scope and the result of this examination. The SASE in this case was a very old client of the Neeman and also used to pay him very good remuneration. In order to provide some benefits to the SASE, Vimal provided certain information to the AO, which was found to be false later on. Okay, false. So, देखो, in order to provide some benefits to the SASE, Vimal provided certain information to the AO, which was found to be false later on. In the given case, which of the following should apply? देखो अभी, since Vimal only acted as a representative of the SASE, he cannot be held liable. The SASE is primarily responsible and person responsible primarily. And according to the SSE would be liable to imprisonment which may extend to 7 years under fine. The penalty ki baat kar rahe hain. The given matter does not only relate to the submission of the return of income but also covers the examination of those records and a report on the scope and the result of examination by CA. Because of the professional responsibility placed on CA, it becomes his duty to carry out all the tasks in a manner free from the bias. Hence, Vimal would be held liable. Okay. Vimal would be liable to rigorous imprisonment which may extend to 7 years under fine. Vimal in the SSE would be liable to penalty which may extend to 1 crore. Further, because the fact submitted with the AO belong to the SSE, hence the SSE would also be liable to the imprisonment for 3 years under IPC. पहला चीज तो option D हटाओ, ऐसा कुछ होता ही नहीं। आपने सीखा होगा कि अगर liability होती है, अगर आपने जान पूछे कुछ झूठ बोला है वहां पर, तो बस वहां पर ऑडिटर, अपन पढ़ रहे हैं ऑडिटर वाला पार्ट, क्लाइंट का क्या करना है, अपने SSE का क्या करने का है वहां पर। तो अगर आपने स्कोप वोप चेक किया और आपने इन्फॉर्मेशन वहां पर फॉल्स दी, वहां पर जो इंप्रिजनमेंट है वो है 7 years and fine, 7 years and fine, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी लिखा हुआ है 7 years and fine, I would go with C। सो बच्चों फाइव का इज सी। तो ये सेम टेक्स्ट का है, उसको खाली इंटरप्रेट करना आना चाहिए आपको कि अगर आपने इंफॉर्मेशन फॉल्स दी है तो बॉस यू आर लाइबल 7 years and fine। लेट्स चेक द आंसर, देख लो बच्चों, 1 का इज बी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का सी, 5 का सी। ताला है गयू, पति गयू, हो गया। तो आज बच्चों हमने 4 चैप्टर्स के एमसीक्यूज किए। ये सारे एमसीक्यूज आपके आईसीआई की मॉडल के पीछे से। सो आई नो कि आप बहुत बिजी होते हो, आपके पास टाइम नहीं होता, तो मैंने क्या सबको कंसोलिडेट कर रखा है, चैप्टर वाइज कर रहा है। हर लेक्चर में शुरू में मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स के इस लेक्चर में आपको एमसीक्यूज होने वाले हैं। आज हमने 4 किए, सीएफएस किया, लाइबिलिटीज किया, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू वाला किया छोटा सा था एक, तो और एक वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एलओडी। विल बी डूइंग मोर एमसीक्यूज एवरी चैप्टर के, अपन अलग अलग सेशंस में डालते जाएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ अनअकैडमी, डाउनलोड द ऐप सो दैट यू गेट अपडेट्स अबाउट द लाइव लेक्चर्स आल्सो एंड स्टे इन टच। आपने देखा कैसे लेवल के एमसीक्यूज है, कुछ चैप्टर के तो ईजी है, कुछ चैप्टर के लंबे लंबे, सीएफएस में लंबे लंबे, लाइबिलिटी में लंबे लंबे। अब यहां से वहां वो कहानी घुमाएगा बैठ के, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है बच्चों, फॉर श्योर बच्चों, फॉर श्योर आप पास। और मैं कह रहा हूं अपने एमसीक्यूज को आप फोर्टे बना। सो वेदर यू आर ओल्ड सिलेबस और वेदर यू आर न्यू सिलेबस, आपको अपना फोर्टे बनाना है एमसीक्यू। क्योंकि देखो उसमें आईसीआई कोई गेम नहीं कर सकता, उसमें ये नहीं कहते भाई नहीं मेरा तो सजेशन ये कहता है मेरा तुम्हारा तो गलत है मैं तो मार्क्स कट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो भैया तो राइट है तो रॉन्ग है, मार्क या तो राइट है तो रॉन्ग है। तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में होता है।
सो एमसीक्यूज का बच्चों अपना फोटे बनाइए, और 30 में से मेरी कोशिश यही होनी चाहिए कि बस 30 में से मेरे को एटलीस्ट 30 चाहिए। जब अपन 30 सोचेंगे तब जाके अपन 25-26 पे लैंड अप हो जाएंगे, ठीक है। सो माय ऑनेस्ट एडवाइस, प्लीज वॉच दिस लेक्चर्स, डाउनलोड करके रख लीजिए, एमसीक्यूज को सॉल्व करते जाइए, एंड जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है गाइस। चलता हूँ, दुआ में रखना, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।